हेलो एवरीवन, वेलकम टू हैंड टू हार्ट। आज एक सिंपल सी रेसिपी तो नहीं है, टेक्निक है। ये है बाजरी का रोटला बनाने की टेक्निक। अक्सर हम रोलिंग पैड पे बहुत से लोग बनाते हैं, लेकिन अपने हाथों से अगर टिप कर बनाया जाए तो ये बहुत ही मीठा और स्वीट लगता है। और साथ में बैंगन भरता, मिर्ची, दही हो तो और कुछ चाहिए ही नहीं। इस सीज़न में गरम गरम रोटला बहुत ही टेस्टी लगता है, और स्पेशली बाजरी का। लेकिन अपने हाथों से बनाना किसी को डिफ़िकल्ट लगता है, तो यहाँ पर एक टेक्निक लेकर आई हूँ मैं हाथों से किस तरह से बनाएं। लिया है बाजरी का आटा, ऐड किया है नमक। अब जिस साइज़ का आपको रोटला बनाना है उतना आटा लें, थोड़ा सा पानी ऐड करें और अपने हाथों से मसल कर इसको सॉफ्ट करें। ज़रूर के हिसाब से पानी ऐड करते जाइए, ध्यान रहे ज़्यादा ढीला ना हो। इस तरह से मसल कर आप देख सकते हो ये सॉफ्ट हो चुका है। चाहिए तो थोड़ा सा हाथ अपना गीला करते जाइए। देखिए ये सॉफ्ट हो चुका है। अब इसको अपने हाथों में लेकर जितना चाहिए उतना आटा लेकर इस तरह से घुमाकर बॉल बना दीजिए। जहाँ तक हो सके इसमें क्रैक नहीं होनी चाहिए। अब अपनी हथेली की मदद से प्रेस करते जाइए और इसको बड़ा बनाते जाइए। अगर पहली बार बना रहे हो तो थोड़ा धीरज से करें। ये हथेली की ऊपर और नीचे की जो हिस्से से आप दबाइए तो ये बड़ा होता जाएगा। इसकी एडेड आप देख सकते हो किनार जो फट रही है, तो इसको अपने हाथ गीला करके सील करिए, क्योंकि बाजरी का आटा है तो ये थोड़ा तो फटेगा। इस तरह से प्रेस करते जाइए। अगर ये जो टूट रहा है उसको गीले हाथ से सील करिए और किनार को इस तरह से दबाकर पतली करते जाइए। ये जो थोड़ा सा टूटा हुआ है उसको भी इस तरह से गीले हाथ से अगर सील कर दे तो अच्छा हो जाएगा। तो ये कच्चा रोटला तो रेडी है। इसको अब मिट्टी की कलाड़ी पे ऐड कर देंगे। इसकी पहली साइड है उसको तुरंत ही आप घुमा लें करीब 15 से 20 सेकंड में। इसको ज़्यादा कड़क ना करें, टर्न कर दीजिए। आप जो तावे का यूज़ कर रहे हो उसको थोड़ा सा गीला करके करें, ताकि ये रोटला जो उसमें चिपके नहीं। जब तक ये वो पकता है हम दूसरा रोटला भी बना लेते हैं। सेम प्रोसीजर, इस तरह से घुमाकर दोनों हाथ की मदद से बड़ा करते जाइए। बहुत ही आसान है बनाना। अगर पहली बार बना रहे हो तो थोड़ा ध्यान से बनाए। आप देख सकते हो ये नीचे के हिस्से से कड़क हो चुका है, तो इसको हम साइड में कर दूसरा ऐड कर देंगे। और अभी वही रोटले को हम डायरेक्टली फ्लेम पे उल्टा रख देंगे। तब तक कि जो हमने तावड़ी में दूसरा रोटला रखा है उसकी भी साइड बन जाएगी, वो भी पक जाएगा थोड़ा सा। अब इसको हम घुमा लेते हैं। इसको ज़्यादा कड़क नहीं करना है, इस तरह से। आप चाहो तो इसको इस तरह से कलाड़ी में भी दूसरी साइड से फुला सकते हो, लेकिन इसमें थोड़ी देर लगेगी। तो ये रेडी है गर्मा गर्म रोटला। इसके ऊपर प्योर घी, गर्म रोटले में घी अच्छा लगता है। ठंडे रोटला अगर खा रहे हो तो उसमें घर का बनाया हुआ मक्खन भी बहुत ही टेस्टी लगता है।
अगर सही तरह से बना होगा रोटला तो इस तरह से ये खुल जाएगा, आप देख सकते हो। इसमें भी आप घी स्प्रेड कर सकते हो। इस तरह से और साथ में बैंगन का भरता या फिर कढ़ी या फिर आपकी मनपसंद कोई सब्जी, मिर्ची का अचार, दही, पापड़ छाछ हो तो फिर इससे अच्छा कोई खाना ही नहीं। तो है ना इजी बाजरी का रोटला बनाना, तो बनाइए इस टेक्निक से। और कैसी लगी ये टेक्निक आप कमेंट में ज़रूर बताएं। अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।